बुढ़वा मंगल पर गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी तथा श्रद्धालुओं ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया और लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ़ उठाया। इस मेले में तमाम तरह के झूले, मौत का कुआं, ट्रेन गन शूट का भी लुत्फ़ उठाया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने बताया कि गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर पुरानी परंपरा से मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। इसी क्रम में आज बुढ़वा मंगल का विशेष महत्व है। इस दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आकर गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं तथा अपनी मनोकामना बाबा से मांगते हैं। उन्होंने कहा कि बुढ़वा मंगल के दिन भर मंदिर में काफी भीड़ लगी हुई है, इसको देखते हुए मंदिर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है तथा मास्क सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। यह मेला कई दिनों से चल रहा है और आगे भी चलेगा। उन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ जी से कामना है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के व्यवस्थापक द्वारिका तिवारी ने कहा, देखिए गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में परंपरा से मकर संक्रांति के अवसर पर मेला चलता है। इसी क्रम में आज बुढ़वा मंगल है। बुढ़वा मंगल का विशेष महत्व है। इस दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में आकर भगवान गोरखनाथ जी के पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भी बुढ़वा मंगल है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, जो दर्शन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, मास्क की व्यवस्था की गई है ताकि लोग मास्क लगाकर दर्शन करें, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचे रहें, दूरी बनाकर जो है अपना दर्शन करें। इस प्रकार मेला आज कई दिनों से चल रहा है, अभी मेला चलेगा, अभी चलता रहेगा। भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना है श्रद्धालु जन जो भी आए हैं उनकी मनोकामना भगवान अवश्य पूरा करें।